एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 16 साउंड वेव क्वेश्चन नंबर 87। अ सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग 1200 हर्ट्ज नॉट ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 170 मीटर पर सेकंड। अ डिटेक्टर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स। फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन द सोर्स गेट क्लोजेस्ट टू इट। सेकंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट इट डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसमें क्या देखा है कि आपका सोर्स है वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है 170 मीटर पर सेकंड से, और क्या फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 1200 हर्ट्ज, और ये डिटेक्टर है वो 200 मीटर दूर यहाँ बैठा हुआ है यानी यहाँ पर रेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। डिटेक्टर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा जब ये आपका सोर्स कहाँ पहुँच जाए, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पहुँच जाए। क्लोजेस्ट का मतलब ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो यानी यहाँ पहुँच जाए। ये आपका सोर्स है वो जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये कितना सुनेगा, जब ये जिस इंस्टेंट पे ये सोर्स यहाँ पहुँचेगा तब क्या फ्रिक्वेंसी सुनेगा ये पूछा है। ओके, देखो अब अगर सोर्स यहाँ से एमिट करता है तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी यहाँ जाएगी, तब तक सोर्स आगे चला जाएगा क्योंकि सोर्स के पास भी स्पीड है, राइट। तो सोर्स ने यहाँ कहीं पर फ्रिक्वेंसी एमिट किया होगा और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से साउंड यहाँ से यहाँ गया होगा, तब तक सोर्स यहाँ से यहाँ चला गया होगा, राइट। और उस टाइम यहाँ से यहाँ जाना सोर्स का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का साउंड का टाइम सेम होगा, राइट। यहाँ से यहाँ जाएगा सोर्स और यहाँ से यहाँ साउंड जाएगा, तो साउंड जब यहाँ पहुँचेगा तब सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा यानी सोर्स क्लोजेस्ट होगा। तो यहाँ पे अपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो अपने को अपरेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, वी प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर वी प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इंटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब अपना ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, ओके, और सोर्स है उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, राइट। और अपने को स्पीड किस डायरेक्शन में चाहिए, अलोंग द डिटेक्टर ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये मान लो वी है तो ये वी है मान लेते हैं, या फिर यू ले लेते हैं इसको, ये यू है तो ये क्या आएगा, यू कोस थीटा आएगा, राइट। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 86 में अपन ने किया था, कोस थीटा फाइंड किया था, राइट। कैसे फाइंड किया था, पहले ये डिस्टेंस फाइंड किया था। ये डिस्टेंस क्या होगा, अपने पास क्या है, टाइम है, और तो डिस्टेंस स्पीड भी है अपने पास, स्पीड u है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं v इंटू टी, राइट, u इंटू टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू टी आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ये साउंड की स्पीड है ना, साउंड की स्पीड से जा रहा है, साउंड की स्पीड v है, तो ये v इंटू टी आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल को देखो आप, ये मान लो ए बी सी, इस ए बी सी में cos थीटा बोलेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, यू टी, ए बी है बेस है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी यानी वी टी, राइट। यानी ये u बाई वी आ गया अपने पास cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू v, ये अपने पास ऑब्जर्वर जीरो पे है, स्पीड जीरो है, और ये v साउंड की स्पीड, और ये माइनस आएगा प्लस आएगा, पास में जा रहा है तो इंक्रीज होगा यानी यहाँ पर कम डिक्रीज होगा, यानी ये माइनस आएगा, क्या आएगा, u cos थीटा, और ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी यानी कि ये आ जाएगा आपके पास v बाई वी माइनस यू इंटू यू यानी यू स्क्वायर बाई वी, और ये आ जाएगा न्यू, राइट। ओके, वैल्यू पुट कर दो इसमें, स्पीड अपने पास 340 माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है अपने पास 170 है ना, तो 170 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो ये 170 का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये अपने पास 340 है, और इंटू क्या करेंगे, इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है 1200। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये आएगा 340 का स्क्वायर माइनस 170 का स्क्वायर इंटू 1200, तो स्क्वायर करना पड़ेगा पूरा 115600, और ये 115600 माइनस 28900 इंटू 1200, ये आएगा 115600 अपॉन ये आएगा 86700 इंटू 1200, तो ये अपने पास आ जाएगा 1600 हर्ट्स, यानी 1600 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी सुनाई देगा जब ये क्लोजेस्ट आएगा तो। ओके, तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट इट डिटेक्ट द फ्रिक्वेंसी 1200 हर्ट्स। मतलब ये जब 1200 डिटेक्ट कर रहा है तब सोर्स और डिटेक्टर में स्पीड डिस्टेंस कितना होगा, तो 1200 यानी सेम फ्रिक्वेंसी कब डिटेक्ट करेगा, जब इसके अलोंग, इस डिटेक्टर के अलोंग और सोर्स के अलोंग स्पीड जीरो, यानी ये इस पोजीशन पे इसकी स्पीड, सोर्स की स्पीड इस तरफ है, यानी इसके अलोंग आपके सोर्स की स्पीड क्या है, जीरो है, यानी सेम फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, यानी जब ये सोर्स आपका
इस पोजीशन पे होगा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्लोजेस्ट अप्रोच, तो जो फ्रिक्वेंसी सेंड करेगा वही फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। तो बोला कि जब ये डिटेक्ट कर रहा है कि 1200 हर्ट्ज, तो ये कहाँ होगा? तो ये डिटेक्ट करने के बाद ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ जाएगा, साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, तब तक आपका जो सोर्स है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, राइट। तो अपने को पूछा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी जब ये डिटेक्ट कर रहा होगा, तो ठीक है, यानी ये डिस्टेंस पूछे, इसको डी ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ से यहाँ जाने में समय जितना लगेगा उतने ही समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो बी टू सी जाते हैं, तो बी टू सी जाने में समय कितना लगेगा? टी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन? टी इज इक्वल टू बोलेंगे डी बाई वी। अब डिस्टेंस अपने को पता है 200 है और वी साउंड की स्पीड क्या है? 340, राइट। समय आ गया, अब बी टू मान लो ये अपने पास लेते हैं, ई ले लेते हैं, तो बी टू ई जाने में डिस्टेंस क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस इज क्या होता है? यू इंटू टी, यू कितने अपने पास? 170, और टी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200 बाई 340, तो ये आ जाएगा देखो 2 से और 200 यानी 100 आ गया, ये 100 मीटर आ गया डिस्टेंस, यानी अपने पास ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये डिस्टेंस 200 मीटर है, राइट। 100 है 200 है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 बार ले लो तो 4 प्लस 1 5, तो 5 कितना होता है? 2.23 समथिंग होता है, 23 क्या होता है? 2.236 होता है, इंटू 100 कर देते हैं तो यह आ जाएगा 223.6, यानी अप्रोक्स कर देते हैं 224 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, क्या आएगा? 224 मीटर।